हेलो माय लवली व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक इन कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही नए और आसान तरीके से कीमा समोसा पॉकेट्स बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्विक और मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू कर दें। तो देखिए, यहाँ पर इन समोसा पॉकेट्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा रेडी करना है, जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। नमक ऐड कर लेंगे टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए अजवाइन ऐड किया है, 1 से 2 पिंच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच भर के कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे तब तक मिक्स करना है जिससे इसमें एक हल्की सी बाइंडिंग ना आ जाए। तो देखिए, इस तरह से ये बाइंड होने लगे तब तक हम इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए, हम मुट्ठी बनाकर चेक कर लेंगे, बस ये रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी ऐड करना है और इसका एक मीडियम आटा तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं चाहिए, मीडियम साइज पर हम इसे तैयार करेंगे। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिए, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। और मैदा थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है, इसलिए इसे रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इस पर पंचेस लगाकर इसे चिकना कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस पर पंचेस लगाकर आटे को तैयार कर लिया है और फिर इसके सरफेस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे, तभी हमारे समोसे बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो हम आटे को रख देते हैं रेस्ट के लिए, तब तक समोसे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर एक पैन में मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक चॉप किया हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया हुआ है और प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे, बस इसे सॉफ़्ट कर लेना है। और जैसे ही ये प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें ऐड कर लेंगे कीमा। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम कीमा लिया हुआ है, जिसे अच्छे से वॉश करके छलनी में रख दिया था। आप चाहे तो चिकन के कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसे हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे क्या होगा, कीमे के अंदर जितना भी पानी है वो रिलीज़ हो जाएगा और इसी पानी में हमारा कीमा अच्छे से गल जाएगा और पक जाएगा। तो कीमे का पानी ड्राई होने तक हम इसे इसी तरह पका लेंगे और उसी के बाद हम सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता है, तब तक इसमें कोई भी मसाले वगैरह नहीं ऐड करेंगे। तो देखिए, जैसे ही पानी ड्राई हो जाता है, इसमें सबसे पहले 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, फिर ऐड करेंगे लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, यहाँ पर मैंने कुटा हुआ धनिया भी लिया है, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और नमक टेस्ट के हिसाब से सारे ही मसाले ऐड कर लेंगे। और फिर एक बार इसे फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि हमारे जितने भी मसाले हैं ये भी कीमे के साथ बहुत अच्छे से पक जाए, सारे ही फ्लेवर्स कीमे में आ जाए अच्छे से। तो इसे मीडियम फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए, कीमे का कलर बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है, सारे ही मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। और जैसे ही मसाले पक जाएंगे, इसमें हमने बाइंडिंग के लिए ऐड कर लेना है मैदा। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच के बराबर मैदा ऐड कर रही हूँ, जिससे कि कीमे में एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। और 1 से 2 मिनट के लिए इसे इसी तरह से हम भून लेंगे, ताकि मैदे का भी कच्चापन ना रहे। मिक्स कर लिया है अच्छे से और फिर ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच पानी। पानी के साथ एक बार फिर से पकाएंगे, तो आप देखेंगे जैसे ही पानी आप ऐड करेंगे, कीमा हमारा इस तरह से बाइंडिंग के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए, कीमा यहाँ तैयार हो गया है, अच्छे से मिक्स करके पका लिया है, कीमा भी पूरी तरह से पक चुका है, मसाले भी सभी पक गए हैं। और लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे और फिर फ्लेम को ऑफ करके साइड में रख देंगे इस फिलिंग को। हमारे कीमा समोसे पॉकेट्स के लिए ये फिलिंग बनके तैयार हो गई है, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब तक हम हमारे आटे को भी चेक कर लेंगे। तो देखिए, आटा अच्छे से सेट हो चुका है, हमने 15 मिनट का इसे रेस्ट दे दिया था। इस पर थोड़े से पंचेस और लगा के स्मूथ कर लेंगे और यहाँ पर हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। और फिर क्या करेंगे, इस आटे को हम 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे और फिर इस एक पोर्शन को हमें एक बड़ी सी रोटी के फॉर्म में बेल लेना है। तो इस तरह से जब आप समोसे बनाएंगे ना, तो आपका समोसा बनाने का प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही क्विक। तो अगर आपको समोसे की फ़ोल्ड बहुत ही मुश्किल लगती है, अगर आप समोसे की फ़ोल्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, तो आप भी बहुत आसानी से समोसे बना पाएंगे। तो आपको करना क्या है, इस तरह से एक बड़ी सी रोटी बेल लीजिए और उसके ऊपर एक हम बड़ी सी थाली रख कर इसे कट कर लेंगे।
तो आप ऐसे भी उसे कर सकते हैं, बट ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो रोटी है उसका शेप बिल्कुल राउंड आ जाएगा। तो मैं इसके एजेस को इस तरह से कट करके निकाल लूँगी, जिससे हमारी रोटी एक बढ़िया सा शेप आ जाएगा, राउंड शेप आ गया है इसमें। और फिर क्या करना है, सेंटर से इसमें कट लगा लीजिए। इस तरह से सेंटर से एक कट लगाया है, फिर हम बाकी के कट्स भी लगा लेंगे। तो एक साथ में आप एक रोटी से 8 समोसे एक साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा और क्विक सा प्रोसेस है। तो देखिए इन समोसा पॉकेट्स को बनाना कैसे है। तो एक स्लाइस को हम इस तरह से निकाल लेंगे, इस पर पानी अप्लाई करेंगे और इसे कोन के शेप में फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इसे पानी लगाकर अच्छे से सिक्योर कर लीजिए, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो हमारे समोसे पॉकेट्स कहीं से भी ना खुले। और फिर ये कीमे की फिलिंग हम इसमें सेंटर में डाल देंगे। तो 1 चम्मच के बराबर हमने इसमें फिलिंग डाल दी है, और फिर बाकी के एंड्स पर भी हम थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लेंगे और फिर इसके एंड को इस तरह से सिक्योर कर लेंगे। तो अच्छे से इसे चिपका देंगे, ताकि हमारे समोसे बिल्कुल भी कहीं से ना खुले। और फिर इस तरह से ये 3 कट्स लगा देंगे। इसके एंड पर एक बार फिर से पानी लगाना है और फिर सभी साइड से इसे सिक्योर कर लीजिए। तो ये लीजिए, हमारा बहुत ही आसान सा ये समोसा पॉकेट बनके तैयार हो जाता है, जो कि दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे से एक डिज़ाइन हमने उस पर बनाई। तो इसी तरह से हम ये बाकी के भी ट्राइंगल्स पर फिलिंग रख लेंगे और इसके इस तरह से पॉकेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको बस एक कोन का शेप देना है और इसे सिक्योर कर लेना है। तो इस तरह से आप समोसे बनाएंगे तो बहुत ही क्विक और इंस्टेंटली आपके समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। आपको सेंटर में फिलिंग डालना है, इस तरह से प्रेस कर लीजिए और फिर कट्स लगाकर एक बार फिर से पानी लगाइए सारे एंड्स पर और फिर इन्हें सिक्योर कर लीजिए। तो देखिए हमारा समोसा पॉकेट बनके तैयार हो गया है। आप भी इन समोसा पॉकेट्स को इसी प्रोसेस से बनाइए और फिर चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने तेल पहले गरम करने के लिए रख दिया था, तो ध्यान रखिए कि तेल अच्छे से गरम होना चाहिए। और फिर गरम तेल में एक एक करके हम इन समोसों को डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे मिनी समोसे एक साथ हम सारे समोसे फ्राई कर लेंगे। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए जो बाकी का आटा है उससे भी हम ये समोसा पॉकेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे, जब तक इस पर एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है। तो जैसे ये थोड़े से फॉर्म हो जाते हैं, उसके बाद हम इसे इस तरह से चलाएंगे ताकि इवनली सारे ही समोसे पर एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो देखिए समोसे पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आने लगा है, और जैसे ही इन पर अच्छा कलर आ जाता है हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे बहुत ही आसान से क्विक समोसा पॉकेट्स बनके तैयार हो गए हैं। तो आने वाले रमज़ानों में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में भी और बनाने में भी। सारे ही समोसों को निकाल लेंगे और फिर इसे आप कोई भी ग्रीन चटनी केचप के साथ सर्व कीजिए। तो ये लीजिए हमारे क्विक से कीमा समोसा पॉकेट्स बनके तैयार हो गए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देख लेते हैं हमारे समोसा पॉकेट्स बने कैसे हैं। बहुत ही परफेक्ट डिज़ाइन, बहुत ही परफेक्ट शेप आया है और अंदर से भी हमारे फिलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर।